गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम पार्ट 3 बस की यात्रा। कौन सा पार्ट हमारा? बस की यात्रा। बस की यात्रा इस पार्ट में हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इसका प्रश्न एक है, प्रश्न नंबर 5। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। प्रश्न 5 क्या है? प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये अंग्रेजों के शासनकाल में चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए लिखिए। सन 1930 में लिखिए आंसर इसका। उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 अगर आप इतिहास की पुस्तक खोलेंगे तो इसके विषय में उसमें आपको मिल जाएगा। 1930 में अंग्रेजी सरकार का असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में भारतीय समाज वैसे ही गरीबी
गरीबी में दिन बिता रहा था, वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर वे उस समय की बात है वे मुश्किल से उस समय नमक रोटी खाकर गुजारा करते थे, गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया। तब गांधी जी ने 12 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? अब हम इसका आंसर लिखेंगे। देखिए बस जब जाती थी तो जो भी पेड़ आता था लेखक को डर लगता था कि कहीं बस पेड़ से ना टकरा जाए, इसलिए वो पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। देखिए बस की जर्जर, बस की जर्जर अवस्था से लेखक बस की जर्जर अवस्था से लेखक को बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस की स्टेयरिंग बस की स्टेयरिंग कहीं भी टूट सकती है। कहीं भी टूट सकती है। कहीं उसकी
बस किसी पेड़ किसी पेड़ से टकरा ना जाए, यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे दो क्वेश्चन आज इस क्लास में हो गए। अब अगले क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।